रही है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन हमारा यही होगा, जो अंदर उसके बाद भी अराउंड 9 से 10 लोग जो उसके बाद भी बचेंगे, जो हमारी जानकारी है, उनको कैसे निकाला जाए ऊपर से स्ट्रक्चर को हटाकर, और यहाँ पर सभी पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं वो कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कितने लोग सर अब तक निकाल लिए गए हैं? अब तक 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अच्छा, कितने लोग अब तक बताए जाने जैसे प्राथमिक इन्फॉर्मेशन मिली है? लगभग टोटल 15 लोगों के आसपास की इन्फॉर्मेशन थी कि अंदर 15 से 16 लोग हैं, और अब तक 6 लोग निकल गए हैं और बाकियों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है? कितनी जेसीबी, पोकलैंड मशीनें बुलाई? ये पर्याप्त संख्या में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोगों ने सभी कार्यदायी संस्थाओं, निर्माण एजेंसीज और विभिन्न लोगों से यहाँ पे संपर्क किया है, और अभी हमारी प्रायोरिटी लोगों को निकालना ही है, और हमारी टीम लगी रहेगी जब तक ये सारा ऑपरेशन खत्म नहीं होता। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीएम मनीष बंसल है, और उनका सीधा ये कहना है कि पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो अंदर जो लोग दबे हुए हैं, पहले उनको बाहर निकालने की जो प्राथमिकता वो है। अब तक 6 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने की जो बात है वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, संभल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।